अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको आप अगर कंप्लीट देख लेते हो तो आप अपने आप को वर्ल्ड में जो है वो मास्टर समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड के बारे में जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी सिखा दूंगा। आपको कहीं पे भी वर्ल्ड को लेके शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मीन्स कि आपको सारे उसके जो मेन टूल्स हैं या मेन उसकी शॉर्ट कीज हैं वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देख लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, मेरा चैनल आसिफ टेक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वर्ड को ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब आप फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती है। जैसा कि ये न्यू फाइल है, यहाँ पे अगर आप कुछ किसी पुरानी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस है जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती है, जैसा कि प्रूफ है आप हाइड करना चाह रहे हो उसको या जो है हाइड नहीं करना चाह रहे हो, तो स्पेलिंग एरर्स इस तरह की चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है न्यू फाइल पे आना है और हमें एक न्यू फाइल लेनी है। इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल एन है। आप कंट्रोल एन से भी नई फाइल जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन से नई फाइल जो है वो ले ली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमारा पेज साइज़ क्या है। यहाँ पे जो वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो पेज साइज़ जो है वो लेटर में आता है। तो अगर आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो तो आप कस्टम मार्जिन में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटर साइज़ लगा है। यहाँ पे आप कोई भी दूसरा साइज़ जो है वो ले सकते हो। अगर आप A4 लेना चाह रहे हो, A3 लेना चाह रहे हो, कोई भी साइज़ जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो करोगे। उसके बाद लेआउट आता है, तो लेआउट में भी आपको अभी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे ऊपर जो टॉप पे मार्जिन है वो 1 इंच का है, नीचे से भी इसी तरह से है, लेफ्ट बॉटम सभी साइडों पे एक जैसा है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ही कर दूंगा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पे अगर आपको लैंडस्केप पेज की ज़रूरत है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसी को, ठीक है। तो बस यहाँ पे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको हम ओके करते हैं। तो अभी जो है मेरे पास A4 साइज़ जो आ गया है। अब मैं होम में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो वर्ड की मेन ऑप्शंस जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इसी पेज पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है माई नेम इज़ आसिफ। तो यहाँ पे आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती है, कट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। कॉपी की ऑप्शन कंट्रोल सी है, कट की ऑप्शन कंट्रोल एक्स है और पेस्ट की ऑप्शन कंट्रोल पी है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है इन चीज़ों का। तो वहाँ दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है, यहाँ पे इसका फाउंट जो है कैलबरी लगा हुआ है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं कैम्ब्रिया कर देता हूँ, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये बोल्ड की ऑप्शन है, कंट्रोल बी है जिसकी शॉर्ट की आप कर सकते हो। यहाँ से इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो है, अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो कि इसके बिल्कुल ऊपर लाइन आ जाए, जिसका यूज़ होता तो नहीं है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे X2 मीन्स कि अगर किसी चीज़ को आप उसकी पावर बनाना चाह रहे हो, जैसे कि मैथ में होता है, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से ये भी है, तो ये ऊपर आ गया है। तो इस तरह से, तो अगली जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पे बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे आप मेन हेडिंग्स बनाते हो तो उनको डिज़ाइन कर सकते हो, उनको आउटलाइन दे सकते हो, शेडो दे सकते हो, जैसा कि ये देखें, ठीक है। इस पे भी थोड़ी सी शेडो है अगर आप गौर से देखेंगे तो, और बहुत सी और ऑप्शंस हैं, जैसे आउटलाइन है, अगर आप आउटलाइन देना चाह रहे हो तो आउटलाइन भी दे सकते हो किसी भी कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा ये है, तो अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हो, कलर, अगर टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हो तो इसको यूज़ करोगे।
ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको पीस कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सिंपल शेप में लाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इस पर क्लिक कर दोगे सिंपल, तो आपकी टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल फाइल पे आ जाएगी। जैसे हम वेबसाइट से चीज़ें उठाते हैं तो वो उसमें अजीबोगरीब किस्म के फॉन्ट्स लगे होते हैं, कलर्स लगे होते हैं, टेबल्स लगे होते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं इसको एक वन क्लिक पे ही वो सब कुछ रिमूव हो जाता है। लिंक्स जितने भी होते हैं सब कुछ रिमूव हो जाता है, तो आपको बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट की सूरत में टेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बुलेट्स की ऑप्शन है, बुलेट्स लगा सकते हैं आप कोई भी किस्म की, अगर गिनती लगाना चाह रहे हैं 1 2 3 रोमन में तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई और लेफ्ट राइट की ऑप्शन है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वन टैब के लिए यूज़ होता है, एक टैब जो है ये आपके टेक्स्ट को आगे ले जाता है। यहाँ पे ये वाली ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये कलर के लिए ही है, अगर आप पूरी लाइन को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी सी ऑप्शन है लेकिन काफ़ी ख़ास है, अगर आपकी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पे इसकी तरतीब जो है ना वो गलत है। अब मेरे पास ऐसी बहुत बड़ी, ऐसी कोई बहुत बड़ी फाइल आ जाती है जिसकी तरतीब गलत है और मुझे कहते हैं जी इसकी तरतीब ठीक करो, तो वहाँ पर मैं पढ़ने पड़ जाऊंगा, मीन्स कि मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे इसको ठीक कर लूँ। तो मैं आपको विद इन क्लिक्स जो है वो बताता हूँ कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। आपने सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो फील्ड वन है उस पर क्लिक करके ओके कर देना है, तो आपकी जितनी भी गिनती होगी वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। अगर आप 1 2 3 के हिसाब से करना चाह रहे हो वैसे भी कर सकते हो, इसको उल्टी करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आप पे डिपेंड है। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ पे डिफरेंट फाउंट्स हैं, अगर इनमें से आप कोई सिलेक्ट करना चाहो तो ये वर्ल्ड की तरफ से आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शन भी इसी की है, फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन कंट्रोल F से है। अगर आप कुछ चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, तो जितनी जगह पे नेम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आप जिस पे भी चेंजिंग करना चाह रहे हो कर सकते हैं, और रिप्लेस करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इंसर्ट पे। तो इंसर्ट में जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं ये कवर पेजेस है, अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हो बिल्कुल सीवी की तरह या किसी भी आप छोटा सा आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, आप इनको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ब्लैंक पेजेस आप इंटर से भी कर सकते हो, कंट्रोल इंटर से भी एक नया पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो सिंपल। और यहाँ पे जो है आपको टेबल्स की ऑप्शन मिलती है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप टेबल ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, जितने चाहो टेबल ऐड कर सकते हो, टेबल को मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा ये ऑप्शन इन्होंने कुछ खुद दी हुई है जिससे आप टेबल में मज़ीद जो है तब्दीलियाँ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती है, तो मैं इसको सिंपल शेप में लाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टेबल को ख़त्म करना चाह रहे हो तो ये अरेज टूल है टेबल को ख़त्म करने के लिए, अगर ड्रा करना चाह रहे हो तो ये है ड्रा करने के लिए टेबल, जैसे कि मैं अरेज करता हूँ इसको और अब मैं ड्रा करता हूँ इसे, तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेरा साइज़ जो है वो चेंज है इसलिए ये भी चेंज आया है, तो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ और इसको भी सिंपल कर लेता हूँ, तो ये देखिए ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अगर आप इसको डिज़ाइन में लाना चाह रहे हो या इसकी आउटलाइन जो है वो बनाना चाह रहे हो तो आप इसको अब देखिए ये ऐसे आएगा, अगर आप इसको डिज़ाइन में लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये कलर्स है, किसी एक टेबल को अगर आप कलर देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो, कोई भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, अगर आप
किसी एक टेबल में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये टेबल इधर से रिमूव हो जाए, सिर्फ इसकी नीचे वाली चीज़ लिया जाए, या ये टेबल पूरा ही रिमूव हो जाए और ये वाला टेबल जो है वो इसी साइड पे लगा रहे, कुछ भी जैसा कि इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं चारों के ऊपर वाली लाइन जो है वो ना ऐड हो तो वो इस तरह से हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं साइड वाली लाइन पर क्लिक करूँगा तो वो भी ख़त्म। उसके बाद दोस्तों ड्रा टेबल है, अगर आप ड्रा करना चाह रहे हो, अरेज करना चाह रहे हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका लेआउट में जा सकते हो टेबल के, इसकी मज़ीद जो है वो सेटिंग कर सकते हो, जैसा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिलीट, इसकी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो यहीं से आपको मिल जाती है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, मार्जिन सेल्स दे सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होने वाली हैं वो है इंसर्ट की ऑप्शन। अगर आप कॉलम जो इंसर्ट करना चाह रहे हो लेफ्ट में तो कर सकते हो, अगर आप राइट में करना चाह रहे हो तो राइट में कर सकते हो। उसके अलावा जो है, अगर आप कॉलम जो है रॉ जो है वो करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो इस तरह से। अगर अबव करना चाह रहे हो, ऊपर करना चाह रहे हो, नीचे करना चाह रहे हो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। उसके अलावा जो है, यहाँ पे अगर आप डिलीट सेल्स करते हो तो ये डिलीट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो जितनी मैक्सिमम ऑप्शंस है वो आपको यहीं से मिल जाती है, ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके दो टेबल जोड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि इनको अलग कर दो तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल की ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये टेबल जो है वो आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये मार्जिन है हाइट और लेफ्ट में विड्थ में, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इनको सिंपल यहाँ से पकड़ के भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ इस तरह से करके। तो नेक्स्ट पे है तो अगली ऑप्शन पे चलते हैं हम, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर आप इमेजेस को ऐड करना चाहो सिंपल इस पे क्लिक करोगे और कोई भी इमेज जो है वो ऐड कर दोगे, और उसके बाद जो है क्लिप आर्ट्स है तो इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको चाहिए तो आपको सर्च करने पड़ेगा इंटरनेट से। और यहाँ पे जो है शेप्स है, इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप को उठा के यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और इसको यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी फाइल में किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये आपको बहुत से डिफरेंट जो है शेप्स में मिल जाते हैं। तो अगली ऑप्शन पे चलते हैं अब। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी है, अगर आप उसको भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट ऑप्शन पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुटर है, पेज नंबर है, हेडर है। तो यहाँ पे अगर आप फुटर और हेडर जो है वो लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पेज नंबर अगर आप लगाते हो टॉप पे, देखें जैसे कि मैंने ये एक जो है हेडर पे लगा दिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपका यहीं पे रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश बुक 8, और इस नंबर को मैं सेंटर में ले आता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं एंड पे भी कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी एजे के बोर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी मैं टैली कर देता हूँ। तो ये मेरा हेडर जो है वो बन गया। अभी मैं इसमें मज़ीद जो है वो चेंजिंग भी कर सकता हूँ, जैसे कि इंसर्ट में आगे कोई टेबल जो है वो भी इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट टेबल, तो मैं टेबल इंसर्ट करके ऐसा डिज़ाइन की सूरत में भी इसको लेके आ सकता हूँ ऐसे करके। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गायब हो रहा है, तो आप जो है इस तरह से, ठीक है, आप इसको पीछे लेके आएंगे या इसको स्पेस देके जो है वो आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अपने मुताबिक जो है ना वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और ये देखिए अब अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को और इनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो एक रैंडम किस्म का है ना वो हैंडर जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो एक सिंपल सी हैडर लेके। मैंने सिर्फ पेज नंबर लगाया, तो यहाँ पे आप जो है मज़ीद इसकी सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप इस लाइन को आप मज़ीद बोल्ड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये टेबल है अभी,
तो आप इसको भी मज़ीद जो है वो कर सकते हो मोटा टाइप, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हैं, अगर इन टेक्स्ट को यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट्स है, सिग्नेचर लाइंस हैं और इक्वेशंस वगैरह हैं। अगर आप इनको मैथ टाइप में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल्स हैं डिफरेंट किस्म के, अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहो तो इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा और वो आपको सैम्पल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम पेज लेआउट में अब चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, कलर्स हैं, फाउंड हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों को आप जो है अपने तौर पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इनमें से कोई भी ख़ास नहीं लग रही है। मार्जिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप दोगे। लैंडस्केप पेजेस के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। कॉलम्स, अगर आप टू कॉलम पेज लेना चाह रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो कुछ ऐसे। अब ये टू कॉलम पेजेस है, जैसा कि ये देखें और ये देखें, ये मत मीन्स कि ये दूसरी साइड पे जो है ना वो डायरेक्टली चला गया। यहाँ पे थ्री कॉलम जो है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अखबार में यूज़ होती हैं, हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे लाइन नंबर्स हैं, अगर आप इनको देखना चाहो, ये असल में जो है पेज को ब्रेक करके तो दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए होते हैं। मतलब जैसे आप हेडर का वो नंबर्स जो, जैसे आप चाहते हो कि हर मतलब डिफरेंट हेडर्स के डिफरेंट नंबर्स आए, मतलब एक पेज, दो पेज, तीन पेज जो है उसके बाद जो है आपकी गिनती फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाए, या आपकी जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए हेडर की। एक ही फाइल में डिफरेंट हेडर्स अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन को यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी आपको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक वाटर मार्क की ऑप्शन है, अगर आप वाटर मार्क यूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरे पास वाटर मार्क आ चुका है, और यहाँ पे आप, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आप कस्टम जो है वो वाटर मार्क जो है वो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे आप एज अ पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हो, पिक्चर को भी वाटरमार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो वाटरमार्क के तौर पे, ठीक है। जो भी आप लिखोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आसिफ टेक लिख के अप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ चुका है इस तरह से, ठीक है। तो आप इस वाटर मार्क को भी यूज़ कर सकते हो। पेज कलर जो है, अगर पूरे पेज का कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे पेज बॉर्डर है, इसकी भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको टेबल के ज़रिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है किस तरह से टेबल लगते हैं, तो आप इसको टेबल के ज़रिए भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट वगैरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। उसके बाद यहाँ पे भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। रिव्यूज़ में चले जाते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग्स एंड डिक्शनरी है। जैसे यहाँ पे आपको आसिफ का जो नाम है वो गलत नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपको बताता है। तो उसने आपको नीचे हिंट भी दी है कि ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, या इनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि आसिफ इसी तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम भी मैं कोई आसिफ का वर्ड लिखूँ तो मुझे पता रहे कि ये स्पेलिंग में मिस्टेक करता है। तो अगर आप इग्नोर कर देंगे तो वो फिर दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो इसको मैं एज ए टी सी बंद कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको वर्ड की ऑप्शन मिल जाती है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप इनको भी देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप व्यूज़ में आ जाते हैं, तो यहाँ पे रूलर है, ग्रिड लाइन है। रूलर जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी टेक्स्ट को सेटिंग कर सकता हूँ अपनी टैब्स की, तो ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनमें लगाता हूँ एक वो, तो मैं इसको बैक पे लेके जाता हूँ, तो ये देखें अभी जो है मैं अपनी गिनती की जो है वो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये इतना ज़्यादा वाया जो है वो ना रहे,
कम वायर है तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, और इसका जो मीन्स के इसकी स्पेस है टैब की, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा और आगे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जो है वो कर सकते हो, ग्रिड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको कहीं पे पड़ती है, अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आपका वर्ड जो है आपको पता रहे कहाँ पे जा रहा है, या ग्रिड लाइन की किसी भी सूरत में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये टू पेजेस की ऑप्शन है, अगर आप एक पेज पे चाहते हो कि टू पेजेस शो हों तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी एक ही पेज है, अगर मैं दूसरा पेज ऐड कर लेता हूँ तो ये फिर शो करेगा इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे कुछ भी और ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। अगर आप किसी चीज़ फाइल का प्रिंट लेना चाह रहे हो तो कैसे ले सकते हो, कंट्रोल पी करोगे यहाँ पे, अगर जो भी आपका प्रिंटर रेडी है, मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, तो आपका जो भी प्रिंटर रेडी होगा आप उसको सिलेक्ट करना है, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी सेटिंग कर लेनी है, जैसा कि लेटर साइज़ है, कौन सा साइज़ है, और प्रिंटर में कौन सा पेज है उसकी भी, और यहाँ पे आपने अपना जो पेज आपने जिसका प्रिंट लेना चाह रहे हो एग्जैक्ट पेज का, वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर तो सिर्फ एक नंबर पेज है तो एक दो होगी, अगर एक से लेके तीन तक हैं तो एक से लेके तीन तक है, तीन तक पेजेस को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे प्रिंट जो है वो प्रेस कर दोगे, तो ये प्रिंट जो है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सेव एज़, अगर आपके कंप्यूटर में पीडीएफ की ऑप्शन होती है तो यहाँ पे सेव एज़ पीडीएफ की ऑप्शन भी अवेलेबल रहती है, तो आप यहाँ पे उसको सेव एज़ पीडीएफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी वीडियो आज की, जिसमें मैंने आपको वर्ड के बारे में बहुत कुछ बताया। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो यकीनन आप वर्ड में एक्सपर्ट हो, मज़ीद जो है एक्सपर्ट जो है वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप बन सकते हो, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं वर्ड की। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।